शांतमवाली ने तो अपना वचन निभा दिया है वृक्षासुर, बस अब तुम्हारी ओर से कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चिंता मत करो महानतम, और देखते जाओ, शमसदन का पुत्र वृक्षासुर भी तुम्हें दिया वचन निभाएगा, और केसरी नंदन को अविलंब अपना आहार बनाएगा। तो इस प्रतियोगिता में आरंभ से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है मित्रनल, किंतु तनिक सावधानी से इन विशाल पत्थरों को उठाना मित्र। इस प्रतियोगिता के नियम तो अत्यंत टेढ़े मेढ़े हैं। शायद प्रतियोगिता के समाप्त होने के पश्चात ये दोनों सीधे खड़े हुए दिखाई देंगे, अर्थात मारुति सुमेरु और शमसादन वन के बीच में बनी उस कंदरा की दूसरी ओर लटकते हुए अंगवस्त्र को लेने जाएगा, तो वो शमसादन वन की सीमा रेखा में प्रवेश कर जाएगा, और तभी घात में बैठा वृक्षासुर मारुति पर आक्रमण कर देगा। निसंदेह प्रभु, बाली की ये योजना तो अत्यंत प्रभावशाली थी। हाँ, धूर्त वाली ने गहन सोच विचार कर ये कुटिल योजना बनाई थी, और अबोध मारुति उसकी इस दृष्टता को समझ नहीं पा रहे थे। मैं प्रतियोगिता आरंभ करने जा रहा हूं, क्या आप दोनों तैयार हैं? वाली भैया, मारुति तो कब से खड़ा प्रतीक्षा कर रहा है। मारुति को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वही इस प्रतियोगिता का विजयी होगा। इतनी बड़ी चट्टान के आकार को देख मुझे तो इन दोनों के ही सामर्थ पे शंका हो रही है। आप दोनों अपने चिन्हित मार्ग पर आ जाइए, मेरे प्रस्तुत सतर्क और आरंभ कहते ही प्रतियोगिता आरंभ हो जाएगी। सतर्क, सावधान, आरंभ। वाह, बहुत अच्छे। अद्भुत नील, अद्भुत। अब तुम्हारी बारी है केसरी नंदन। अब मारुति आगे आओ और कुछ करके दिखाओ। मारुति, मारुति, मारुति!
तुम पुनः प्रयास करो। वाली भैया, वो वाला पत्थर तो बहुत हल्का था, मारुति को उसे फेंकने में आनंद नहीं आया। क्या मारुति यह भारी वाला पत्थर फेंक सकता है? तुम्हें आनंद दिलाने के लिए यहाँ हर प्रकार और आकार के पत्थर है। पत्थर फेंको। पत्थर पर बैठकर ब्रह्मांड भ्रमण के लिए चला जाता। बस तुम दोनों रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, अभी तो बहुत से पत्थर उठाने बाकी है। आगे बढ़ो। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रंजन भरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। Thank you.
मारुति ने तो तुम्हारे हिस्से के पत्थर भी उछालकर फेंक दिए। माली भैया, ये मैदान तो छोटे बड़े पत्थरों से विलीन हो गया, अब केवल वो बड़ी चट्टान शेष रह गई है। वाली भैया, शीघ्र ही चलो। मायावी मरकट, कदाचित तू उस वृक्षासुर का भोजन बनने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आजा, आजा, केसरी नंदन, शीघ्र उस चट्टान को हटाकर मेरे मुख में समा जा। ठहरो मारुति। सर्वप्रथम नील इस चट्टान को हटाने का प्रयास करेगा। हाँ हाँ नील, आगे बढ़ो और इस चट्टान को हटा दो। जो भी करना है शीघ्र करो, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या हुआ प्रिय, एकांत में क्यों खड़ी हो? मारुति की राह देख रही हूँ आर्यपुत्र, किंतु वाटिका में तो चारों ओर शांति प्रतीत हो रही है। यदि मारुति और उसके मित्र वाटिका में होते तो इतनी शांति होना संभव नहीं है। मारुति क्षण भर के लिए भी तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ नहीं कि तुम चिंतित हो जाती हो प्रिय? तो क्या आप चिंतित नहीं होते आर्यपुत्र? सत्य कह रहे हो प्रिय, मारुति की अनुपस्थिति में राजमहल में इतनी चहल पहल होने के उपरांत भी कितना सन्नाटा लगता है। चलो हम प्रतियोगिता में चल के मारुति का उत्साह बढ़ाएं। आपने तो मेरे मन की बात कह दी आर्यपुत्र, चलिए ना अभी चलते हैं। प्रतीत होता है मित्र नील को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, ये प्रतियोगिता है, इसमें कोई अपने प्रतिद्वंदी की सहायता नहीं कर सकता। ये प्रतियोगिता के नियमों के विरुद्ध है। प्रतियोगिता के नियम तो वाली भैया ने बनाए होंगे ना? क्या मारुति वाली भैया से पूछकर मित्र नील की सहायता कर सकता है? कदापि नहीं। और कितनी सहायता करोगे मारुति? नील के हिस्से के पत्थर को फेंक कर तुम पहले ही उसकी बहुत सहायता कर चुके हो। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है, और उसके ऐसा करने के पश्चात केसरी नंदन सीधा मेरे मुख में समा जाएगा। प्रणाम गुरुजी। मारुति और उसके अन्य मित्र दिखाई नहीं दे रहे,
कहीं आपके द्वारा दिए गए किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला से दूर तो नहीं गए? नहीं महाराज, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं दिया है, अपितु अमावस होने के कारण आज पाठशाला में अवकाश। पाठशाला में अवकाश था तो फिर मारुति कौन सी प्रतियोगिता की बात कर रहा? अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है प्रतियोगिता? मारुति, मारुति, मारुति! चिंता मत करो प्रिय, यही अन्य बालकों के साथ खेल रहा होगा, पुकारने पर अभी सब आ जाएंगे। मारुति, 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 सुषेण, गंध मादन। ये नील यदि यूं ही प्रयास करता रहा तो उस मरकट को कंदरा के दूसरी ओर पहुंचाने में विलंब हो जाएगा। अब मुझ महानतम को ही कुछ करना होगा। नील अधिक प्रयास करो, नील अधिक प्रयास करो। थोड़ा अधिक प्रयास करो नील, थोड़ा अधिक प्रयास करो। तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। और बता दो अपने मित्रों को कि तुम यहाँ पे सर्वाधिक बलशाली हो नील, तुम कर सकते हो नील। हाँ नील, नील करो नील, अति सुंदर नील, अति सुंदर, तुम कर सकते हो नील, तुम कर सकते हो। मादन, सुषेण, मारुति, नल, पुत्र मारुति, गंध मादन, मारुति, पुत्र मारुति, मारुति, चिंता मत करो प्रिय, मिल जाएगा। मारुति और उसके मित्र कहाँ जा सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। महाराज, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। महाराज, युवराज मारुति और पाठशाला के छात्रों के खोज में भेजे गए सारे सैनिक निराश लौट आए हैं। मारुति और उसके मित्रों की खोज में गए सारे सैनिक निराश लौट आए? मारुति मेरी अनुमति के बिना कहाँ जा सकता है? मैंने उससे वचन भी लिया था कि मेरी अनुमति के बिना वो राजभवन से बाहर कभी ना जाए। आज प्रातः प्रतियोगिता में जाने से पहले मारुति कुछ कहने के लिए लौटा था, किंतु क्या कहा था उसने? माँ, माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना। आर्य पुत्र, मुझे ध्यान आ गया कि मारुति और उसके मित्र कहाँ गए। वो वाटिका नहीं, अभी तो पुरानी पाठशाला गए हैं। जो श्याम सदन वन के निकट है, जहां वृक्षासुर राक्षस का वास है।
मंत्री जी, मैं शम्म सदन वन की ओर जा रहा हूँ। आप सैनिकों को लेकर अति शीघ्र वहां पहुंचिए। जी महाराज। वाली बहन ने अब तक क्या से क्या कर दिया होगा। मुझे अति शीघ्र प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचना चाहिए। मेरा हाथ चट्टान के नीचे दब गया है और हथेली के नीचे होने के कारण मैं इसे हटा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा इन पालकों के सम्मुख मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। इस भारी चट्टान को मुझ महानतम के अतिरिक्त यहाँ केवल ये मरकट ही हटा सकता है। मित्र नल, वाली भैया को मारुति की सहायता की आवश्यकता है। नहीं मारुति, वाली भैया स्वयं इस चट्टान को हटाने में सक्षम है। मेरी सहायता करो नील, मेरी सहायता करो। किंतु देखो ना मित्र नल, नील नहीं कर पा रहे। मारुति से उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है। रुको मारुति, कदापि वाली भैया को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनके समान बलशाली की सहायता कोई बालक करे। और यदि तुमसे उनकी ये दशा नहीं देखी जा रही है तो उस पत्थर पर बैठकर थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे वाली भैया अपना हाथ इस चट्टान से निकाल लेंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। प्रतीक्षा करना प्रिय, मैं मारुति और बालकों को लेकर
शीघ्र ही वापस लौटाऊंगा। सब मेरी भूल के कारण हो रहा है। आज मारुति कुदृष्टि से बचने का टीका भी लगवा कर नहीं गया और मैंने कांच के टूटने के अपशकुन को अनदेखा कर दिया। सब मेरी भूल का परिणाम। तुम अपने आप को मत कोसो प्रिय, मारुति को कुछ नहीं होगा। प्रतियोगिता के कारण मारुति बालकों के साथ राजभवन से कुछ दूर चला गया होगा। धैर्य रखो प्रिय, मारुति अन्य बालकों के साथ अभी कुछ देर में तुम्हारे समक्ष उपस्थित होगा। मुझ पर विश्वास रखो प्रिय। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है आर्यपुत्र, मैं भी आपके साथ चलती हूं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर।
शंख जरावा रूप धरे असुर सहारे रामचंद्र के आज सहारे आज ज्ञान गुण सागर जय कपी सत लोक जागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सत लोक जागर जय सुमेरु की रक्षा के लिए इस कंदरा का मुख जिस विशाल चट्टान से बंद किया था उसके पुत्र ने आकर उसी चट्टान को कंदरा के द्वार से हटाकर मेरे निर्विघ्न आखेट का मार्ग खोल दिया। केसरी नंदन, मेरा भोजन बनने से पहले भविष्य में भी मेरे भोजन का प्रबंध करके जाना चाहता है तू? या ये दहाड़ तो राक्षस वृक्षासुर की है। मारुति 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 मारुति
मारुति जाओ और जाकर अपनी मां का दिया हुआ अंगवस्त्र वापस ले आओ। पूर्णिमा से भी बढ़कर है। वर्षों पहले केसरी ने मुझे पिता के सुख से वंचित किया था। आज मैं शंभसादन का पुत्र वृक्षासुर केसरी को संतान सुख से वंचित कर दूंगा। हे माधव, अमावस्या के दिन वृक्षासुर को कौन कौन सी मायावी शक्तियां प्राप्त होती थी? अमावस्या के दिन उस मायावी राक्षस वृक्षासुर का बल कई सहस्र गुना बढ़ जाता था। उस दिन यदि वृक्षासुर को नष्ट करने के उद्देश्य से कोई उसकी एक शाखा तोड़ता तो उसकी मायावी शक्तियों के प्रभाव से पल भर में वहां कई नवीन शाखाएं निकल आती थी। इन्हीं मायावी शक्तियों के कारण अमावस्या के दिन वो राक्षस वृक्षासुर अजय था। किंतु निश्चल मारुति तो वृक्षासुर के चंगुल में फंसने जा रहे थे। किसी को सुमेरु और शम्म सदन वन को जोड़ने वाली कंदरा के विषय में ज्ञात तो नहीं हो गया? कैसी मां हूं मैं, अपने पुत्र से पूछा भी नहीं कि मेरे पुत्र और उसके मित्रों की रक्षा करना। यदि आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं आपकी चौखट पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। यदि आज वाली भैया ने अबोध मारुति को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाई तो मैं उनसे अपने सारे संबंध तोड़ दूंगा। आजा, आजा केसरी नंदन, मेरी शाखाएं तेरा आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रही है। अरे तुम सब इस ध्वनि पर ध्यान मत दो, कंदरा से बह रही वायु यह स्वर उत्पन्न कर रही है।
वृक्षासुर इतना अधीर क्यों हो रहा है? अपनी व्याकुलता के कारण कहीं ये मेरी सफल होती योजना को चौपट ना करते। वृक्षासुर मारुति के प्राण संकट में है। राक्षस वृक्षासुर की दहाड़ है। घड़ी की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। केसरी नंदन मेरे आनंद घन। नहीं मूर्ख वृक्षासुर उस मरकर को पकड़। मैं नल हूँ, पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मारुति है। मारुति को क्षमा कर दो मित्र। ये क्या बात हुई, मित्र भी बोलते हो और क्षमा भी मांगते हो। मारुति भागो यहाँ से, भागो। चलो सखा, अब हम दोनों मित्र मिलकर आनंद उठाते हैं। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। चलो सखा करें धमाल। मित्र
मित्र सुशेण, देखो तुम्हें दृष्टि का कहीं कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? ये कोई दृष्टि भ्रम नहीं है मित्र गंधमादन, अपितु वास्तव में मारुति की पूछ तो बढ़ती ही जाती है। और उसके सखा ने मिलकर नल के प्राणों की रक्षा की। केसरी नंदन, तुमने अपने मित्र को तो बचा लिया, किंतु स्वयं मेरे चक्रव्यूह में घिर गए हो। क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? वृक्षासुर क्षुधा से अत्यंत व्याकुल प्रतीत हो रहा है, चलो अब उसकी क्षुधा शांत करते हैं। Thank you.
साथ चल, वृक्षासुर के साथ चल। ठहर, मैं अभी तुझे तेरी धूर्तता का स्वाद चखाता हूँ। भयंकर कोलाहल कैसा? मारुति, उसको शालों को तोड़ दो! मारुति, उसकी शालों को तोड़ दो! तोड़ दो! तोड़ दो उसकी शालों! तोड़ दो! तोड़ दो! उसकी शाखा तोड़ने के उपरांत पुनः उगाती है। दुष्ट वानर, अमावस्या के दिन मेरे सम्मुख आकर तूने भयंकर भूल की है। अब तू मेरी मायावी शक्तियों से पार नहीं जा सकेगा। रक्षा कर।
ये मुझे क्या हो रहा है? मैं मेरी मायावी शक्तियाँ। केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मारुति मारुति मिला वाली और वृक्षासुर को ये सब करके, जो जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे भोगना होता है। एक नन्ना बालक भी कर्मों का फल दे सकता है। अपने बल और अहंकार के मद में चूर होकर वाली और वृक्षासुर ने अबोध मारुति के प्राण हरने का प्रयास किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? एक को मृत्यु मिली और दूसरे को मोह की खानी पड़ी। सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे उसके किए गए कर्मों का फल ना भुगतना पड़े। आतताई राक्षस वृक्षासुर के वध से सुमेरु और उसके आसपास के राज्यों में मंडराते संकट के बादल तो छट गए, किंतु मारुति की संकट मोचन लीला ने तीन मनुष्यों पर असीमित प्रभाव छोड़ा। एक तो थी अंजना, मारुति की मां का हृदय
बहुत ही कोमल होता है। अंजना विचलित हो उठी थी। इस घटना ने झकझोर कर रख दिया था अंजना के वात्सल्य को। माँ, मेरे पुत्र। मारुति का अंग वस्त्र मारुति की माँ ने बड़े प्रेम से बनाया था मारुति के लिए। कहाँ जा रहे? रोकिए इसे। मारुति, के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मारुति, मेरी रक्षा करने के लिए तुमने अपने प्राणों की भी चिंता नहीं की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा मित्र? तुमने ही तो कहा था मित्रता में ना ही धन्यवाद कहते हैं और ना ही क्षमा मांगते हैं। मारुति ने आपका दिया हुआ अंगवस्त्र पुनः प्राप्त कर लिया। हे ललिता अम्मा,
मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मेरे पुत्र पर आई हुई इस महाविपदा को टालने के लिए मैं आपको सहस्त्र नमन करती हूं। पिताश्री, मारुति प्रतियोगिता में विजयी हो गया। हाँ पुत्र, तुम्हारे अतुलित बल और अद्भुत पराक्रम को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है पुत्र। मारुति, आज तुमने अपनी अनुपम शक्ति का प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया है कि तुम हम सबसे अधिक बलशाली हो। तुमने उस महाभयानक वृक्षासुर को मार गिराया है। अंजना, दुविधा में थी कि अपने पुत्र की जय जयकार से प्रसन्न हो या भयानक वृक्षासुर की मृत्यु के परिणाम से भयभीत। अब मैं अपने पुत्र को यहाँ एक क्षण भी नहीं रहने दूंगी। शीघ्र चलो यहाँ से पुत्र। मंत्री जी। जी महाराज। हमारी भांति बाकी बालकों के माता पिता भी चिंतित हो रहे होंगे। आप इन्हें सुरक्षित इनके घर पहुंचा दें। जी सैनिकों, मित्र, त्रिलोक का भ्रमण करके ये चट्टान तो पृथ्वी पर लौट भी आई है। मारुति, मुझे भी इस चट्टान की भांति आकाश में उछाल दे तो कितना आनंद आएगा। मैं भी तीनों लोकों का भ्रमण कराऊंगा। और जब तुम पृथ्वी पर गिरोगे तो तुम्हारे सारे दांत टूट जाएंगे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वृक्षासुर को जड़ से उखाड़ा, फिर धरती पर पटक पछाड़ा। गया दुष्ट असुर का अंत, सुखी हुए सब दिग दिगंत। शंभ साधन वन का था तंक, तोड़ दिया उस डर का डंक। बार बार वाली को बचाया, विश्वास प्रेम मिथों का पाया। महाबली ये संकट मोचन, परमात्र प्रेम के अद्भुत बंधन। माँ की न्यारी ममता देखो, छिपा लिया अंचल में सुत को। जय 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 मारुति माता, पर सूरज कब तुम्हें आता। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
माँ की ममता और वात्सल्य की कोई सीमा नहीं होती। भले ईश्वर ही स्वयं पुत्र के रूप में हो, किंतु माँ उन्हें अबोध बालक ही समझती है। अंजना को भी अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए अपनी ममता का आंचल ही अभेद कवच लगता था। माँ तो अपने पुत्र के हर सुख दुख और क्रियाकलाप से सबसे अधिक प्रभावित होती, इसलिए अंजना का प्रभावित होना तो स्वाभाविक था प्राण बल्लभ। किंतु ऐसा और कौन था जो मारुति की इस संकट मोचन लीला से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? किसी के भी कार्यों से माता पिता के पश्चात सबसे अधिक प्रभावित या तो परम मित्र होता है या परम शत्रु। मारुति की इस लीला से जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ वो था स्वयं को महानतम समझने वाला वाली। राग और द्वेष अंतःकरण के विकार हैं। जिसके प्रति अनुराग हो उसके दोष नहीं दिखाई देते। इसी प्रकार जिसके प्रति मन में द्वेष जागृत हो जाता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। मारुति ने वाली के प्राण बचाए थे, किंतु द्वेष भावना के कारण वाली को उसमें भी अपनी पराजय दिखाई दे रही थी। उस पराजय ने मानो वाली से महानतम वाली को ही छीन लिया था। वो पूरी तरह टूट चुका था, एक प्राणहीन मूर्ति की भांति भूमि पर बैठा था। भैया बहुत व्यथित हो गए हैं, कहीं कुछ करना बैठे। उछल कूद बंद करो और सीधे खड़े रहो। ये लीजिए नमक और जल महारानी जी। इसे बहते पानी में बहा दो। माँ, आपने मारुति को कुदृष्टि से बचाने के लिए उन्हें नमक बहाने के लिए कह दिया। देखिए माँ, कितना नमक व्यर्थ हो गया। तुम्हें नमक की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है पुत्र। प्रभु, मेरे पुत्र के ऊपर से इतना बड़ा संकट टल गया। वृक्षासुर जैसे महाराक्षस का वध मेरे मारुति ने कर दिया। ये आपकी कृपा के बिना संभव नहीं था प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन। मारुति, मेरे लाल, वृक्षासुर जैसे भयानक राक्षस से भिड़ गए। तुम्हें तनिक भी नहीं लगा कि तुम्हारी मां के हृदय पर क्या बीतेगी। मां, कितनी कामना की, व्रत उपवास किए
कितनी पूजा आराधना और घोर तपस्या के बाद मैंने तुम्हें पाया। यदि आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, इतना भी नहीं सोचा। एक बार मेरा स्मरण तक नहीं आया। माँ, स्मरण तो उन्हें किया जाता है ना जो हमसे दूर हो। माँ, जब आप मारुति के साथ नहीं होती हो तब मारुति को सदैव ऐसा लगता है कि मारुति के साथ ही हो।